सिर्फ 40,000 रुपये में उठा कर लाइए घर हीरो का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, बिना डीएल के दौड़ाएं सरपट। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाह रहे हैं वो भी हीरो कंपनी का, तो सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है मात्र 40,000 रुपये में। इसे चलाने के लिए कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। आइए इस हीरो कंपनी के बारे में जानते हैं, कौन सी इसकी मॉडल है, 40,000 क्यों प्राइस है, इसका फुल चार्ज करने के बाद कितना किलोमीटर चलेगा, सरकार कितना सब्सिडी दे रही है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रभात खबर की जो है न्यूज, यहां पे देख सकते हैं ये प्रभात खबर की तरफ से ये रिपोर्ट है, यानी कि जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं ये प्रभात खबर का है। तो आप समझ सकते हैं ये रिपोर्ट जो है तो बिल्कुल ट्रस्ट है। काफ़ी लोग कमेंट में कहते हैं कि ये झूठ खबर है, तो ऐसा नहीं है, ये प्रभात खबर की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आइए पहले गाड़ी का एक फर्स्ट लुक देख लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। तो ये रहा आपका रेड एंड ब्लैक कलर का हीरो कंपनी का फ्लैश इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसी गाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं। रेड एंड ब्लैक कलर का मिल जाएगा, गाड़ी काफ़ी अच्छा है और लाइट वेट है, यानी हल्का गाड़ी बनाया गया है, इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में दोस्तों, तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश इसका नाम है, फोटो सोशल मीडिया से लिया गया है। और बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में, तो बात किया जाए दोस्तों तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश एक बजट स्कूटर है, ऐसे में इसकी फीचर्स लिस्ट में जो है इतना ज़्यादा लुभाने वाली नहीं है, लेकिन इसमें बेसिक डिजिटल इन्फॉर्मेशन पैनल लगा हुआ है जो कम से कम ट्रिप संबंधित जानकारी दिखाने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ज़्यादा हाई फाई जो है फीचर्स आपको नहीं है, लेकिन नॉर्मल फीचर्स आपको सब मिल जाएगा कि आप कितना किलोमीटर ये गाड़ी चलेगा फुल चार्ज करने के बाद, कितने स्पीड में चल रहे हैं, ये सारे कुछ आपको मीटर में दिखाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों हीरो फ्लैश इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, तो भारत की दिग्गज दोपहिया निर्माता हीरो मोटर कॉर्प की सहयोगी हीरो इलेक्ट्रिक ने भारत में सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर को बाजार में उतारा है। कंपनी ने इसका नाम हीरो फ्लैश रखा है। बात करते हैं तो कंपनी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को करीब जो है 3 साल पहले जनवरी 2020 में बाजार में लॉन्च किया था, उसी समय से यह भारत का सबसे किफ़ायती और बजट वाले स्कूटर में के लिस्ट में शामिल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बता दें ये गाड़ी आज नहीं बल्कि 2020 में ही जनवरी में जो है ये लिस्ट हुआ था, यानी निकाला गया था, लेकिन इसको जो है हर साल जो है अपडेट वर्जन किया जा रहा है, अपडेट करके नए नए फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश में वेरिएंट और उसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी वेरिएंट जान लेते हैं और प्राइस जान लेते हैं। तो बात किया जाए दोस्तों तो हीरो का यह इलेक्ट्रिक स्कूटर दो वेरिएंट में आता है, जो कि फ्लैश LA है उसका और दूसरे फ्लैश LAI उपलब्ध है। दो अलग अलग मॉडल है। एक शोरूम में इसकी कीमत की बात करें दोस्तों तो फ्लैश LA जो है वो आपका 39,999 रुपये मात्र इसकी प्राइस है, जबकि बात करें तो वहीं हीरो का जो है फ्लैश LI की बात किया जाए तो ये आपका 52,590 रुपये में। तो इसका मतलब है दोस्तों पहले वाले मॉडल में जो है बैटरी जो है LA यानी कि जो है लिथियम फास्फोर्ट बैटरी है, उसके बाद दूसरे में लिथियम आयन बैटरी है, इसलिए अलग अलग कीमत आपको देखने को लग रहा है बैटरी के हिसाब से। आगे बात करते हैं हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश के फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, बता दें इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश एक बजट स्कूटर है, ऐसे में इसकी फ़ीचर्स लिस्ट उतना ही ज़्यादा लुभाने वाली नहीं है। इसमें बेसिक डिजिटल इन्फॉर्मेशन पैनल लगा हुआ है जो कम से कम ट्रिप संबंधित जानकारी देने में सक्षम है। वहीं नहीं, इस स्कूटर में आपको LED DRL का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसकी हेडलाइट केवल बल्ब से ही जलती है। तो जी हाँ दोस्तों, जो DRL इसका जो दिया हुआ है आगे में जो हेडलाइट है वो सिर्फ बल्ब लगा हुआ है उसी से जलता है, उसमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है। चूँकि पैसे कम लग रहे हैं तो फीचर्स भी कम आपको मिलेगा। आगे बात करें हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश का इंजन के बारे में, यानी इसकी मोटर के बारे में बात करें तो बात किया जाए दोस्तों तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश में 250 वाट का BLDC हब मोटर लगा है और इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसे में इसे चलाने के लिए टू व्हीलर के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, बता दें जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पीड 25 किलोमीटर होती है उसको जो है चलाने के लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे किसी भी कंपनी का हो। आगे बात करें दोस्तों तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश की बैटरी, तो जी हाँ दोस्तों, इसके बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश में LA वेरिएंट में 48 वोल्ट और 20 एच की लेड एसिड बैटरी लगा हुआ है, वहीं LI वेरिएंट में 48 वोल्ट और 28 एच के लिथियम आयन बैटरी पैक दिया है।
इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है और इस लिहाजा से यह स्कूटर सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत ही अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, माइलेज आपको ज़्यादा नहीं है, 50 से 60 किलोमीटर की माइलेज है, लेकिन सिटी में अगर आप चलते हैं लोकल 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गाड़ी है। दोनों अलग अलग बैटरी के हिसाब से रेट अलग अलग है, लेकिन आपको 40,000 में मिल जाएगा। आगे बात किया जाए दोस्तों तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश का सस्पेंशन के बारे में, तो बात किया जाए दोस्तों तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश को जो है अंडर बोन चेसिस पर जो है तैयार किया गया है। फ्रंट में इसको में आपको टेलीस्कोपिंग फोर्स और रियर में साइड ट्विन शॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। इसमें 16 इंच का एलॉय रिम भी दिया हुआ है, तो रिम की बात करें तो 16 इंच का इसमें लगा हुआ है। वहीं बात करें दोस्तों तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश की ब्रेकिंग के लिहाजा से इसमें दोनों साइड पर जो है ड्रम ब्रेक लग जाता है। वहीं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है। वहीं इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड्स मिल जाता है, तो इसमें डिस्क ब्रेक आप नहीं लगा सकते हैं, इसमें ड्रम ब्रेक है लेकिन कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, इसीलिए ब्रेक काफ़ी अच्छा है। आगे बात किया जाए तो हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश का मुकाबला, जी हाँ दोस्तों बता दें इसका जो है कौन कौन गाड़ी से मुकाबला हो रहा है, तो बात कर लेते हैं तो बाज़ार में हीरो इलेक्ट्रिक फ्लैश का जो है बराबर की कीमत में आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध नहीं है। मार्केट में सबसे ज़्यादा किफ़ायती इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है पेट्रोल पावर टू व्हीकल की सूची में जो है TVS LX 100 है और बजाज CT 100 शामिल है, जो दोनों पेट्रोल गाड़ी है उसी से मुकाबला होगा, बाकी कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर इतना सस्ता नहीं है कंपनी का कहना है। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो ये हीरो इलेक्ट्रिक का सबसे सस्ता स्कूटर है, मात्र 39,999 में आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, लोकल चलने के लिए बहुत ही बढ़िया है। बाकी ये गाड़ी आप कब ले रहे हैं और आप जो है लिथियम आयन बैटरी वाला ले रहे हैं या लेड एसिड बैटरी वाला, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।